सो है गाइस, और अब हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं। और अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बियरिंग। बियरिंग एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बसरते इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स अपने क्लियर लेके चले तो ठीक। कहने को नहीं आसान है, ये सच में आसान टॉपिक है। इसमें बस बेसिक टर्म्स लोगों के नहीं क्लियर होते हैं, इस वजह से ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है और इसमें एकदम दिमाग ख़राब होकर रहता है शुरू शुरू में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बियरिंग समझाने से पहले हम आपको कुछ अर्थ से रिलेटेड बेसिक टर्म्स समझाएंगे, जिसकी मदद से आपको जो बियरिंग है उस वो क्लियर हो पाएगा कि बियरिंग है क्या एक्चुअली। ठीक, तो देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी अर्थ कुछ इस तरह से होती है। ये हमारी अर्थ होती है, ठीक, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सन है। मैंने पॉइंट से डिनोट किया है, सन काफ़ी बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक। और जो हमारी अर्थ होती है वो इस तरह से हमारा सन के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करती है ना। ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक। अब हमारा जो अर्थ है इस पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा होती है ये अर्थ की एक्सेस होती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक। और ये थोड़ी सी टिल्ट है ना। अर्थ की एक्सेस क्या होती, कैसी होती है हमारी, हल्की सी टिल्ट होती है, ठीक। इसको जरा सा भर दे वरना अभी बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक। अर्थ की एक्सेस क्या होती है, टिल्ट होती है एक्चुअल में। जब हमारे अर्थ को देखा जा रहा था तो एक्चुअल में अर्थ का जो नॉर्थ था वो यहाँ लिया गया, ये स्ट्रेट लिया गया अर्थ का नॉर्थ, ठीक, स्ट्रेट लिया गया अर्थ का नॉर्थ, इसको बोला गया ट्रू नॉर्थ, ठीक। लेकिन अर्थ के अंदर जो हमारा मॉल्टन लावा फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक। अर्थ के अंदर जो हमारा मॉल्टन लावा या जो भी फ्लूइड हमारे बह रहे होते हैं, ठीक, उसकी वजह से हमारी अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब हम कंपास अपने हाथ में लेते हैं तो वो कंपास की निडल हमारी उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती है, उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देती है, ठीक। तो इसी वजह से हमको जो कंपास की निडल हमें जो नॉर्थ दिखाती है वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ठीक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा नॉर्थ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, ये हमारा मतलब कि सच में जो अर्थ का नॉर्थ है, ठीक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास हमारा जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उस नॉर्थ को हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, वो इधर कहीं पॉइंट में करता है, ठीक, ये हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, ठीक। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुई। कई लोग जिनको जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इसमें अभी कंफ्यूजन आ रही होगी कि फिर कंपास नॉर्थ क्या होता है ना, तो बताएंगे, अभी बताते हैं, उसमें भी क्लियर करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जब हम मैप बनाते हैं तो हम मैप परफेक्ट स्क्वायर्स में बनाते हैं, यानी कि इस तरह से जो हमारा मैप हमको मिलता है, मान लेते हैं तो ये जो हमारा मैप रहता है इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक। और कहा जाता है कि इन अर्थ पे अर्थ को भी उसी ग्रिड्स में बांटा गया, मतलब उन्हीं परफेक्ट स्क्वायर्स में बांटा गया है इस तरह से। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए तो इस अर्थ को उसी तरह से ग्रिड में बांटा गया है, बट यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे हम तो ऊपर की तरफ देखिए ये ट्रायंगुलर शेप की ग्रिड आ गई और सेंटर में कहीं जाके ये स्क्वायर शेप बन रही है ना। तो अर्थ की जो ग्रिड है उसमें वेरिएशन है एक जगह पे, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारी ग्रिड्स जो हैं ये सब किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक। जब ये कैसी शेप की हो, इररेगुलर शेप में है, यहाँ ट्रायंगल है या थोड़ा अजीब सा स्क्वायर टाइप का है, मतलब ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा है, यहाँ पे आपका एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना। फिर जब आप नीचे जाने लग रहे हैं साउथ पोल की तरफ तो वहाँ भी एकदम ट्रायंगल दिखेगा। तो ग्रिड हमारी इस तरह से एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है,
अर्थ पे, लेकिन हम क्या करते हैं इसको स्ट्रेच करके स्क्वायर के, एग्जैक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से जो हमने स्ट्रेच किया इन ग्रिड्स को, ठीक, इसकी वजह से ये जो ग्रिड की डायरेक्शन थी ट्रू नॉर्थ की तरफ, ये स्ट्रेच होने की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा दी, ठीक, और इसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रिड नॉर्थ कहते हैं, ठीक, कि स्ट्रेच करने पे ये जो ग्रिड लाइंस है हमारी जिस नॉर्थ डायरेक्शन या फिर जिस डायरेक्शन की तरफ ये पॉइंट आउट कर रही हैं, उस डायरेक्शन को जो नॉर्थ कहेंगे वो हमारा ग्रिड नॉर्थ होगा। मतलब उस डायरेक्शन में, मतलब वो जो डायरेक्शन हमारी वो अलग नॉर्थ जो दिखा रही होगी उसको हम ग्रिड नॉर्थ कहेंगे, ठीक। तो आई थिंक ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है कंपस नॉर्थ की, ठीक। अब कंपस नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो देखिए कंपस नॉर्थ हमारा क्या होता है, हम कोई भी अगर अर्थ पे अगर कंपस ले, कंपस हमारा जिस डायरेक्शन में पोजीशन करेगा उस नॉर्थ को, कंपस की निडल हमारे जिस नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रही होगी उस नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, कंपस नॉर्थ। तो मेन बात ये उठ के आती है कि फिर मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपस नॉर्थ में अंतर क्या रह गया, है ना। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इसको ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कंपस है, ठीक, ये पेन हमारी कोई कंपस है और ये हमारी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक अर्थ की, मान लेते हैं ये अर्थ है तो इसी की डायरेक्शन में देखिए पॉइंट आउट कर रही है, ठीक, ये पेन हमारी इसी मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाय कर गई है, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रही है, ठीक। बट अगर हम ये मान लेते हैं मैग्नेट है हमारा, अगर हम मैग्नेट ले आके इसके पास रख दे तो ये हमारा कुछ डिफ्लेक्शन शो कर देगी अब, है ना। अब ये अगर डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसका मतलब कि अब मैग्नेट के इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर मैग्नेट के प्रभाव की वजह से ये जो हमारी फील्ड, ये जो हमारा कंपास है, ये किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इस डायरेक्शन, यानी कि इधर इस तरफ कहीं हमारा कंपास नॉर्थ आ रहा है अब, ठीक। अगर हम मैग्नेट इधर रख देते तो इस डायरेक्शन में हल्का सा शो करने लगता वो, इधर कहीं कंपास नॉर्थ आता वो, ठीक। तो देखिए कंपास नॉर्थ का जो कंसेप्ट आता है वो हमारा इधर से ही आता है, अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ से आता है, ठीक, यानी कि अगर हम कोई मैग्नेट इसके आसपास नहीं रखें तो कंपास नॉर्थ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी तरह का मैग्नेट इसके आसपास रहेगा तो कंपास नॉर्थ हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कंपास मतलब कि कंपास जो हमारे कंपास की निडल जो होती है जिस नॉर्थ में डायरेक्शन कर रही होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक। अब ध्यान से देखिए कंपास की निडल चेंज होने के दो मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला या तो इंटरनल कंपास एरर हो, मतलब कंपास में खुद कुछ एरर हो, है ना, खुद पहले से ही गड़बड़ कंपास हो, वो थोड़ा सा पहले ही तिरछा शो कर रहा हो मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह तरफ शो करने की वजह से, यहाँ कुछ अटका हो जिसकी वजह से वो यहाँ शो कर रहा हो, है ना, देखिए मतलब अलाइन ना कर रहा, मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है और कंपास इस तरफ शो कर रहा हो, ठीक। तो वो इंटरनल कंपास एरर होती है, वो कंपास की पहले से ही कंपास की मतलब की जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर है, ठीक। दूसरा जो आता है वो आता है लोकल अट्रैक्शन, ठीक, जिस तरह से हमने ये लोकल मतलब कि उसके लोकल मतलब क्या होता है, उसके आसपास का एरिया, उसका जो लोकल एरिया है उसमें हमने एक मैग्नेट रख दिया जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन की वजह से भी कंपास की निडल जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से कुछ डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि मान लेते हैं कि वो पहले से उसमें वो तिरछी थी, ठीक, इंटरनल कंपास एरर कुछ पहले से इस डायरेक्शन में होने की वजह ऐसे था, ठीक, और हमने मैग्नेट इधर रख दिया तो वो और ऐसे हो गया। तो अब जो हमारा कंपास है वो इस डायरेक्शन नॉर्थ में, कंपास इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ दिखाने लगा, है ना, जिसको हम कंपास नॉर्थ कह रहे हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन आई ना इस एंगल की वो क्या है, वो हमारा इंटरनल कंपास एरर की वजह से आई और लोकल अट्रैक्शन की वजह से आई, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कंपास नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में अंतर क्या होता है, ठीक। अब चलिए, अब बेयरिंग पहले बताने से पहले आपको हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और पोजीशन की का जो है फंडामेंटल समझाते हैं, ठीक। तो जिस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और कंपास बेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द पोजिशन पी इफ द डेटा आर गिवन एज फॉलोस, ठीक। ये हमको डेटा दिया है, अभी हमें इस पे नहीं, अभी हमें केवल ध्यान देना ऑब्जेक्ट और पोजिशन पे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, पहले ये चीज देख लीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन में तो पक्का पक्का दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट है ओ है और पोजिशन हमारा पी है, ठीक। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ें, ये ध्यान से देखिए, ये
फाइंड आउट जीबी टीबी एमबी सीबी ऑफ सर्वे ट्री इन स्क्वायर इतने फ्रॉम द ट्री का हाइट इतने इन स्क्वायर इतने इफ डेटा आर गिवन एज फॉलोज। इसमें आपको बिल्कुल नहीं पता लग पा रहा है कि पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सर्वे ट्री और ट्री हाइट दो चीजें दी हैं। अब इनमें से क्या हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या हमारा पोजीशन है, ठीक, तो हमको ये चीज पहले क्लियर करनी होगी। तो ये देखिए, ये आपके पास एक याद करने की ट्रिक होती है कि ऑफ जिस भी चीज के पहले, जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या, सर्वे ट्री हो या टेम्पल हो या हमारा कोई भी पॉइंट हो, है ना, या सिक्स फिगर रेफरेंस दिया हो कोई, उसके पहले अगर हमारा ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद, मतलब उसके पहले अगर हमारा ऑफ आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और किसी भी चीज़ के पहले या कोई भी अगर हमारा ट्रिग हाइट दी हुई हो या